दूसरों के खिलाफ गवाही देने का बड़ा शौक है ना तुझे मेरी जान। सोच तेरी इज्जत अगर मैं यही लूट लूं तो तेरे लिए गवाही कौन देगा है? मना करी थी ना तेरे से कि नितिन भाई के खिलाफ गवाही मत दे। अब भी देगा नितिन भाई के खिलाफ गवाही? हाँ देऊंगा। मना करी थी ना तेरे से। है कोई बचाने वाला तुझे? बचाओ, 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 बचाओ। ज्यादा नखरेबाजी मत करे, समझ गई ना? इस हाथ को काबू में रख ले, मैं तो काबू करने मुझे बहुत अच्छे काम है। सर मेरे भाई को बचा लो। तेरी इतनी हिम्मत? लड़की के साथ बदतमीजी? अच्छा नहीं कर रहा तू। हेलो, जल्दी जीप पे पहुंचो। जल्दी से लेके दूसरी पहुंचो। तुझे ना पता मेरा भाई कौन है? अंदर से फिर देखे क्या होगा तेरी गैल। हाँ, कौन है तेरा भाई? एमएलए बल्लू चौधरी के भाई की तरह पुटने वाले हाथ काट दिए गए। तने तो फिर भी खाओ दिए हैं। हर जख्म का हिसाब लूंगा दरोगा, हर जख्म का। ज्यादा मत तिल मिला, समझ गया ना? नहीं मसल दूंगा, आराम से बैठ जा, आराम से नीचे बैठ। दरोगा आ लेने दे भाई को, उसके आगे तेरी आवाज भी ना निकले। अभी तो घड़ा बन रहा है ना तू। जान दो एमएलए को भी, फिर भी देखूंगा। ए, खड़ा हो, खड़ा हो। बैठ नीचे, नीचे बैठ। ये कुर्सी के इधर। तू खत्म है? चुप बैठ जा, चुप। वरना बोलने लायक ना छोड़ने का हूं, समझ गया? अभी तुम दोनों के बयान लिए? जी सर, लड़की से बयान लेके उसे घर पे छोड़ दिया और उस आदमी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। और सर आपको पता है, जिस आदमी को ये पीट रहे थे ना, वो वही आदमी था जो एमएलए और इसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हुआ था। तो उस लड़के को ठीक हो जान दे, ये तो मैं देखूंगा। अब देखिए तुम।
लेकर आए नया। ए दरोगा, तेरी हिम्मत कैसा होगी ना यहाँ लड़ने की, टाइम पे पैसे ना पहुंच रहे। भाई बहुत मारा इसने टुल्ले ने। ओ दरोगा, तुझे पता नहीं है मेरा भाई है ये, हिम्मत कैसे हुई तेरी। इन्हें पीटने के बाद इन लोगों ने मुझे बताया कि ये तेरा भाई है। तू जैसे पापियों के लिए मैं बहुत बड़ा जल ला दूं, समझ गया ना। और हाँ सुकरमान, क्यों पन्नी में पैक होकर ना आया। ओ दरोगा देख, अभी चुनाव का वक्त चल रहा है और चुनाव में मैं कोई बखेड़ा नहीं चाहता। छोड़ दे मेरे भाई को। वरना? वरना? क्या वरना? तेरे पे जो बखेड़ा करना आता हो कर ले, तेरे पे जो होता हो कर ले। और हाँ सुन, इन्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने का। एक बार उस लड़के को होश मार जान दे, तुम दोनों भाई को तो जेड़ में चक्की पिसवाऊंगा मैं। इस पूरे शहर में आतंक मचा रखा तुमने, अपने बाप की जागीर समझ रहे हो इस शहर को। मौका तो मुझे आज मिला है जिसमें बहुत दिन से तलाश में था। दरोगा तू तो गया भाई, छोड़ कर मत जाओ। तू चिंता मत कर छोटे, शाम तक मैं इसकी औकात दिखा दूंगा। तेरे पर जो होता हो ना कर ले, चल लेकिन यहां लड़ देखेंगे। ओ नेता, दरोगा देख लूंगा तुझे, चल। चल खड़ो, चल चल नीचे बैठ। ए नीचे बैठ। मैडम तो छोसे में लग रही है, देखना पड़ेगा। माँ पिताजी सो गए दिखे हैं? रात के 10 बजे हुए हैं और यहाँ बैठ के भजन कीर्तन करेंगे। हाँ बात तो यह भी ठीक है। वैसे हम फिल्म देखने जा रहे थे आज। अरे यार मेरा फुल प्लान था फिल्म देखने जाने का, और सांझ तक तो बिल्कुल ध्यान था, पर फिर अचानक ऐसा काम आ गया तो फिर मेरे ध्यान ही नहीं। काम 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 के सिवा कुछ और भी सूझता है आपको? शादी के बाद एक बार भी कहीं घुमाने लेके गए हो? सही कहती थी मेरी सहेली, पुलिस वाले के साथ शादी मत करना, ये तो मेरी मति मारी गई थी जो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। के खाक सही कह रही तेरी सहेली, सहेलियों के चक्कर में मत ना पड़े करें। ये ऐसी बात बताई करें, ये बने बनाए घर को बिगड़वा दे करें। और हाँ चल अब कुछ भी हो गया हो, मैं तुझे कल इस घर से बाहर जरूर लेकर चलूंगा, ठीक है? मैं घर से बाहर एक ही वजह से निकल सकती हूँ, जब आपका ट्रांसफर हो। अरे नहीं, अब कौन कराएगा मेरे यहाँ ट्रांसफर, कल पक्का चलेंगे। हाँ हाँ मुंह हाथ धो लो, खाना लगा देती हूँ। तुम और तुम्हारे झूठे वादे। छोटे तुझे कितनी बार समझाया, अरे कम से कम चुनाव तक तो गलत काम मत कर। अरे भाई मैं क्या करता, वो दोनों भाई बहन तेज चल रहे, हमारे खिलाफ केस बनवाने को फिर रहे थे, वो चल दिया अपन। कोई बात ना, तू यहीं तक तो आया है, ट्रांसफर ऑर्डर ले आए हैं तेरे दरगोली के।
अच्छा क्या हो रहा है सब? सर इनके पास कोर्ट के बेल के ऑर्डर्स हैं और कमिश्नर साहब का भी फोन आया था इन्हें छोड़ने के लिए। अरे वो दरोगा कल हमसे मिल ले। क्या बच्चो गाड़ी बैठो। भाई ऐसे कैसे बैठो, इसने बहुत मारा, बदला लेके जाऊंगा। छोटे कटोरा रख और जितना कह रहा हूँ उतना सुन। चलो गाड़ी बैठो। बड़े भाई की बात समझनी चाहिए। चलो। अरे उन्हें बच्चों को क्यों घूर रहा है? वो कोई घूरने का सामान है? ले रहा है अपने दरोगा अली का ट्रांसफर ऑर्डर। ट्रांसफर ऑर्डर है ये। और जाने से पहले दरोगा जी एक बार मिलकर जरूर जाना हमसे। अरे सचिन तेरा कमिश्नर साहब को फोन लगा के दरोगा जी की बात तो कराओ। लाओ फोन। हाँ जी कमिश्नर साहब। जैन सर बात कीजिए। हेलो। जी सर। जी सर सर जी सॉरी सर जी। क्या हुआ, निकल गई हवा या कुछ और भी बाकी है? शुक्र मना कि चुनाव का टाइम चल रहा है, वरना तेरी ऐसी हालत करता ना, ऐसी हालत करता कि कभी एमएलए के भाई के हाथ डालने के लिए ना तेरे हाथ ही न बसते। समझा? चल सचिन गाड़ी स्टार्ट कर। चलो। सुन भाई नेता की पूछ, मेरे ऊपर बैठे कुछ अधिकारी भ्रष्ट है, इस मारे तू बच गया। अब तेरे ऐसे नेता को ना तो मुर्गा बना दूं मैं, समझ गया? ए दरोगा आवाज नीची, तो हमारा समय खराब चल रहा, चुनाव का माहौल चल रहा, वरना ऊंट पे बैठे बोने आदमी को भी कुत्ता खा जा। बात ध्यान रखिए, भेजे में रखिए अपने इस बात को। चल सचिन चल, बेचारा ट्रांसफर के चक्कर में बौखला गया, तो गाड़ी स्टार्ट कर। चलो भाई चलो। सर जिस छोरे को मैं अस्पताल में भर्ती करा के आया था उसकी मौत हो गई, और सर जिस छोरे की FIR ली थी उसने भी अपनी FIR वापिस ले ली। सर ये चौकी आपको बहुत ज्यादा याद करेगी। चल जा जब बात मत बने, ईमानदारी का तोहफा तो मिलता रहे मुझे तीसरे चौथे महीने। अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ तो तू ही तो कह रही थी कि मैं तुझे टाइम नहीं देता, और वैसे मैंने 5 दिन की छुट्टी ले ली। समझ गई मैं, 5 दिन की छुट्टी मतलब फिर ट्रांसफर हो गया तुम्हारा। वो माँ पिताजी कहाँ? माँ मंदिर गई है, पापा चौधरी साहब के यहाँ गए हैं। वैसे तुम क्या काम करते हो ऐसा जो 3-4 महीने में आपका ट्रांसफर हो जाता है? अरे तू सारी बात छोड़, तू अपनी आँख तो बंद कर। क्यों आँख बंद क्यों करूँ? अच्छा तुझे पता आज क्या दिन है? आज क्या दिन है? आज शुक्रवार है। तो अपनी आंख बंद कर यार, चल मेरे साथ। चलो 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 चलो, चलो। हैप्पी एनिवर्सरी। सॉरी मैं भूल गई, हैप्पी एनिवर्सरी। पर मैं नहीं भूल सकता कभी भी। आपको याद था? हाँ मुझे याद था।
तेरे ते जुड़ी से मेरी सांसा की डोर, मेरे दिल में ना तेरे सिवा कोई और। तेरे ते जुड़ी से मेरी सांसा की डोर, मेरे दिल में ना तेरे सिवा कोई और। मेरे दिल में तेरा नाम तू मेरे लिए नहीं है कोई आम सजनी। तेरी गल्ला मेरी सुबह और तेरी गल्ला मेरी श्याम सजनी। तेरी गल्ला मेरी सुबह और तेरी गल्ला मेरी श्याम सजनी। रखूंगा सदा तन्ने मेरे दिल में, कर दूं आसान हर मुश्किल में। रखूंगा सदा तन्ने मेरे दिल में, कर दूं आसान हर मुश्किल में। मेरा तेरा है नशा जणू ले रहा हूं ऐसा कोई जाम सजनी। तेरी गल्ला मेरी सुबह और तेरी गल्ला मेरी श्याम सजनी। तेरी गल्ला मेरी सुबह और तेरी गल्ला मेरी श्याम सजनी। तेरे ते जुड़ा मेरा एक सपना, रही है तू बने कहने मेरा अपना। तेरे ते जुड़ा मेरा एक सपना, रही है तू बने कहने मेरा अपना। तेरा मेरे ते जुड़ा मेरे नाम के पीछे तेरा नाम सजनी। तेरी गल्ला मेरी सुबह और तेरी गल्ला मेरी श्याम सजनी। तेरी गल्ला मेरी सुबह और तेरी गल्ला मेरी श्याम सजनी। ओए तरुण, तू दरोगा जी कुर्सी बैठा, नए साहब को पता लग गई ना, ड्यूटी के पहले दिन डांट खाओगा तू। अरे ये दरोगा कौन सा मैं फांसी पे चढ़ा देगा, जब आगा तो खड़े हो जाएंगे। वैसे ये दरोगा सारे होमे दिमाग के पैदल ही हैं। वो पिछला दरोगा मैंने उसे इतना समझाया कि तू चंडालों के चक्कर में मत पड़, लेकिन वो मानना। बाद में देखा कैसा ट्रांसफर करा गया, दुम दबा के भागा। सर, वैसे सर आपने आने में देर कर दी। देर क्या, वो साथ में माँ पिताजी आए थे जी, तो उन्हें छोड़ने में थोड़ा टाइम लग गया। सर ये आपने बहुत अच्छा किया, आप माता पिता गांव में ले आए। क्यों, इसमें अपने परिवार को साथ लाने में क्या खास बात है? सर जी, इस गांव में जो भी कोई दरोगा आया चंडालों के डर की वजह से अपने परिवार को यहाँ नहीं ले आए, और आप ले आए। कौन चंडाल? साहब जी, आपको किसी ने चंडालों के बारे में नहीं बताया? जो भी दरोगा यहाँ आया 2 महीने से ज्यादा ना टिक पाया। आखिर करते क्या हैं चंडाल? अरे सर छोड़ो, आप इन बेवकूफों की बातों में कहाँ पड़ गए। अच्छा ये बताओ आपका नया घर कैसा है? घर तो बहुत अच्छा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस गांव में मुझे इतना अच्छा घर मिलेगा। वैसे आप लोग भी बहुत अच्छे हो। मैं कह रही हूँ घर कैसा लगा था मैं यहाँ? घर तो पूनम बढ़िया लगा मुझे, और मुझे तो ये गाँव भी बढ़िया लगा, यहाँ के लोग भी बढ़िया है, खुला वातावरण है एकदम, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। खुले में बढ़िया सांस आवे, मेरा तो दम सा घुटा करा था बंद से। हाँ ये तो बात सही कह रही तू। क्या चलो देखो मम्मी लो चाय, पहले अपने पिताजी को दे दे। लो बेटा।
बैठ जा बेटी। घर कैसा लगा बेटी तुझे यहाँ? मम्मी बहुत अच्छा, मतलब सब खुला खुला है, सारे रूम राम सब खुले हैं, सोफे भी लगे हुए हैं, बेड भी लगा हुआ है, टीवी भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जगह यहाँ पे बची हुई है, मतलब भीड़ भड़ाका नहीं है। और बाहर भी देखो कितना खुला खुला है, छत भी यहाँ पे, तो मम्मी छत भी अपनी है। हाँ जी लग रहा? हाँ आओ आपको दिखाती हूँ। चाय तो पी लूँ मैं? नहीं आओ ना। चल पहले घर ही दिखा दो। मम्मी आओ आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखियो आंगन भी कितना बड़ा है ना। हाँ। और यहाँ पे कपड़े भी हम सुखा सकते। पापा आप भी आओ। अच्छा। और यहाँ पे वॉशरूम भी देखो कितना बड़ा है, दिखाओ आपको, आओ देखियो, वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे। हाँ। अंदर ही खूब बड़ा है, तो चलो उठ के नहा लो, बैठ के नहा लो। हाँ, वही तो। और पापा देखो छत भी कितनी बड़ी है, आपकी तबीयत भी अच्छी रहेगी यहाँ पे। और मम्मी किचन भी देखो कितना बड़ा है, आपने देखा किचन? देखो हाँ खूब बढ़िया है ना, यहाँ पे घुटन भी नहीं होगी, गर्मी भी नहीं लगेगी, है ना। और रूम भी देखो कितने बड़े बड़े हैं, है ना। पर मुझे लग रहा मंदिर नहीं है। अरे मम्मी है मंदिर है? देखा नहीं आपने? हाँ। देखो दिखाती हूँ, ये देखो ये रहा मंदिर। अच्छा मंदिर भी बड़ा है। हाँ सुबह शाम उठ कर पूजा करो अपना बढ़िया। और पापा आपकी तबीयत बहुत अच्छी रहेगी, आप ऊपर शाम को जाओगे ना रेस्ट करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। बेटे मेरे तो पुलिस में 40 साल लोई कर दिया पर आराम नहीं मिला, और यहाँ तो जीतू ने हद कर दी, बहुत ही बढ़िया मकान ले लिया, और मेरी तो आत्मा प्रसन्न होगी इसे देख के। मैं क्या हूँ, ये चार पोती पोते हो जी हो मेरा, खूब झूम झूम के खेल लगे, इतना बड़ा चौक हो गया। बहुत जी नहीं आ जाएगी फिर तो। रोगी कट जाएगा। कपड़े तो चेंज कर लूँ, पहले खाना तो बना लूँ तेरी गैल। छोड़ो ना मम्मी आ जाएगी, छोड़ो ना। अरे आ लिया तो? अरे यहाँ क्या ले रहा? वो सब्जी पूछना आया था। हाँ तो पता क्या सब्जी बना रही? क्या सब्जी बनाई है? आलू गाजर की। हाँ वो आलू गाजर की बनाई है। तो तू क्या सब्जी में छोंक लगा रहा है? नहीं है जा, सारी ड्रेस भिजी पड़ी तेरी। हाँ हाँ। मीना बेटी। हाँ जी मम्मी। मैं भी सोने जा रही हूँ, और इतने नहा कावे इसका खाना तैयार कर दे। ठीक है मम्मी। ठीक है। ठीक। हाँ जी नहा लिया आप? हाँ नहा लिया। तो आपका खाना लगा दो। हाँ लगा दो। और आपने खा लिया? मैंने आपसे पहले कभी खाया है क्या? चल गया साथ खाते हैं। लो। सब्जी कैसी लगी? सब्जी सच में बहुत अच्छी बनी है। चौक तो आपने ही लगाया था। कह तो रही थी मम्मी। मुझे कहीं घुमाने ले चलो ना। हाँ चलते हैं ना, अभी जल्दी में प्लान करते हैं। कब? मैंने सुसाद को बोला हुआ है 6-7 दिन छुट्टी मिल जाएगी, फिर घूमने चलते हैं।
रहने दो, आप ऐसे ही बोलते हो। अरे नहीं, सच में चलेंगे ना। वैसे कहाँ लेके जाओगे? जहाँ तुम कहो। मनाली। ठीक है। पक्का? हाँ पक्का। अरे मंगलू, मैंने तुमसे बोला था कि जो गांव के खतरनाक मुलजिम है उनकी फाइल लेकर आऊ ना यार। जी सर। हाँ जल्दी लेकर आओ। अरे आइए लाल जी आइए। अरे क्या ये दीवान जी? अरे मार लिया, मुझे बदमाश सर है ये लाला, मार लिया, भागने पड़ेगा इस गांव में से। दरोगा जी। लाला जी बैठो। दरोगा जी, क्या हो रहा है इस गांव में? तो पुलिस वालों पे ये चंदा चौकड़ी नहीं रोकी जा रही, इन्होंने सारे गांव की नाक में दम कर रखा। इनका अगला शिकार ये मुझे मारने की फिराक में। सर मैंने बताया तो था आपको, पर आपने गोरी कहाँ दिया? अरे चंडाल इतने खतरनाक है तो इस फाइल में उनके बारे में कुछ लिखा क्यों नहीं? सर जी, फाइल में तो उनके खिलाफ जब लिखा जाएगा, जब कोई गवाह या सबूत हो। उनकी तो गांव वालों ने शिकल भी नहीं देखी है। जब भी वो चोरी करते हैं तो मुँह लपेट कर करते हैं। पहले तो वो चिट्ठी लिख कर भेजते हैं, सीधे सीधे पैसा आगा तो ठीक है, नहीं तो रात को डाका डालते हैं। दरोगा जी, इस चिट्ठी में पूरे 50,000 रुपए मांग रखे, और मैं गरीब आदमी बताओ खाते लाऊं 50,000 रुपए? लो देख लो। लाला अगर अपनी और अपने परिवार वालों की जान की सलामती चाहता है, कल 50,000 रुपए लेकर तांत्रिक के अड्डे पर पहुंच जाना। सर जी, ये सेठ जमुना दास जी हैं, गाजियाबाद में कपड़े की बड़ी दुकान है। इतनी बड़ी दुकान होने के बाद भी इन्होंने अपना गाँव नहीं छोड़ा, सारा कारोबार यहाँ से ही कर रहे हैं। अरे कहाँ बड़ी दुकान है दीवान जी, एक छोटी सी दुकान है, उसे भी बेटा देखे, मैं तो 10-15 दिन में चला हूँ। अरे छोटू यार, इन बातों को तुम मुझे इन बदमाशों से बचा लो दरोगा जी। अरे साहब, आप इन चंडालों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, पिछले कई दरोगाओं ने ये गलती की है, बाद में उन्हें अपना तबादला खुद ही कराना पड़ा। तेरे सलामांगी मन ने सीधा खड़ो पहले, और जब तक कुछ पूछा ना जावे ना, जब तक मुंह मत खोल लिए। दरोगा जी, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना? लालू जी, तुम पैसे का इंतजाम करो, बाकी मैं देखता हूँ। जी। कल भी बचने नहीं चाहिए। बाबा, ये मेरी बेटी है, यो ऐसी पड़ी रहे, मुझे तो ऐसा लगा है इसके ऊपरी तो ना, उसे देखियो। कुछ नहीं है, सब 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 संकट काट दूंगा मैं, सब कलेश काट दूंगा। हम गोरी हैं, गोरी सब पलट 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 पूरा दादा जी धीरे धीरे बड़े। यही है कांडा। ए बाबा। हाँ हाँ बोलो। चंडालों को जानते हो क्या? कौन चंडाल, कैसी चंडाल? हम किसी चंडाल को नहीं जानते। मुझे लगता है यही चंडालों का मुखबिर है। कैसा मुखबिर, कौन मुखबिर? हम तो चंडालों का इलाज करते हैं यहाँ। ओए साहब, सलाम से बात कर। ए पाखंडी सुन, अगर मुझे पता लगा कि तू चंडालों से मिला हुआ है या जानता है तो तेरे लिए अच्छा नहीं होने का, समझ गया ना? चलो मैं देखता हूँ। पागल बता रहा है। चंदन सिंह, यहाँ तो काफी खंडर है, सबकी सर्चिंग ढंग से करो, ठीक है? आओ मेरे साथ। Done. Done.
अभी गई नहीं मई, जल्दी करो आगे चुनाव, जल्दी करो भागो भागो, आजा 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 आजा, मैं मानूंगा तेरी घर स्वागत। गांव तो बहुत बढ़िया भाई पूनम, और देखे चारों तरफ एक भी कितना तकड़ा खड़ा, गांव के लोग मेहनती हैं यहाँ के। मैं कहना रही तुमसे गांव घना बढ़िया हैं, देखियो कुटी सी लग रही है मुझे तो, और इस कुटी सी में बाबा बैठा, चलो बाबा से मिलकर चलेंगे। अरे तू चल, होगा कोई तांत्रिक फांत्रिक ढोंगी, चल बहुत घूम लिया आज, बावली न बने। इस गांव में हम नए आए हैं, बाबा नाराज हो जाओगा, मिलकर चलेंगे। लग तो भूख सी रही पर तू नहीं मानती तो भाई चल आ जाओ। बाबा, ओ बाबा, मुझे ऐसा लगे बाबा भगवान की तपस्या में ज्यादा लोलीन हो रहे दिखे हैं। बाबा, ओ बाबा, मुझे तो ऐसा लग रहा बाबा की आत्मा परमात्मा से जा मिली। बाबा नूना सुना ये, बाबा जी, ओ बाबा जी, बाबा जी। क्या हो गया, क्या मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कोई लोलीन नहीं करी, मुझे माफ कर दो। माफ, माफ हम कैसे कर दे तुम्हें बाबा? बाबा हम तो इस गांव में नए आए हैं। बताओ क्या कष्ट है बच्चा, मैं तो ये सोच रहा गांव वाले फिर पीटने आ गए हैं। पर बाबा क्यों मारेंगे गांव वाले तुझे, हम तो इस गांव में नए आए। अलग की रंजन, क्या कष्ट है बच्चा, बच्चा बच्चा बता लो, और तू जरा सा जान चली जी जाए। बाबा हम तो अपने घर के मामले में दिखवाना आए हैं। दिखाओ लाली हाथ। तो इस जगह को चुना है चांडाल गैंग ने? जी सर। ये चोर अक्सर ऐसे खंडर यूज करते हैं, आओ देखते हैं और तांत्रिक से पूछताछ करते हैं। जी सर। काली छाया मंडरा रही है, काली छाया तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। पर बाबा क्या मुसीबत आने वाली है, घर में तो सुख शांति बनी रहोगी ना। बहुत बड़ी आपदा, सब अलर्ट पलट, अलर्ट पलट हो रहा सब। माँ पिताजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा हम तो बाबा से आशीर्वाद लेना आए, नू कह रहा बाबा थारे घर में बहुत बड़ी आफत आने वाली है। अरे माँ, यू ना कोई बाबा ना कोई तांत्रिक, ये कोई पाखंडी है, इसके चक्कर मत पड़ो, सब जानू मैं इसके बारे में। और पिताजी तुम सारी बात जानो और फिर भी माँ को ले यहाँ खड़े हो? अरे मन ने बहुत कहा ऐसा पर यू माननी तो नहीं। तुम घर चलो, मैं ड्यूटी पूरी करके आ रहा हूँ। बच्चा मुझे ढोंगी बता रहा, मेरी शक्तियों के बारे में जानकारी नहीं है, मेरी डायरेक्ट एसडीए भोलेनाथ से। बेटा आप तो अब तेरे पे आनी है, सब अलट पलट कर दूंगा, अलट पलट। ज्यादा बंदा भोग के अरे हवाला तो बंद कर दूंगा, फिर वहां करता रहिए उलट पलट, समझ रहा ना? हां भाई तो है पागल ही दिखे है। बच्चा आप तो अब तेरे पानी है, अलट पलट कर दूंगा, अपमान अपमान, अलट पलट कर दूंगा, सब अलट पलट कर दूंगा। आप जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, अलट किया जल चल चल ना। अरे तुम फेसर आप पी लगे थाने में, थारे भी शाम होते कीड़े उठ जा। आजा तेरा ही बना देगा दा पैक। जो नहीं साहब को पता लग गई ना तमा कल आ जाओगी। अरे क्या पता चल जाएगी, पता चल भी गया तो दो पैक उसके नाम के भी सही। हेलो जी सर, जी सर, जी पहुंचता हूँ सर जी।
अच्छा ला चाबी दे मुझे, जिसे वो बंद करके गया इसे मैं लेकर आता हूँ अभी। लिया। देख भाई, अगर तू अभी 2000 रुपये दे देगा तो तू रिहा हो जाएगा, और अगर तू 2000 रुपये भी नहीं दे पाया तो तू 2 महीने के लिए जेल में सड़ेगा। देख ले। बस 2000? तुम 5000 रुपये रखो, आज तुम्हे चुराए। लो। मंगलू, क्या हो रहा है सर? सर सर सर, वो जो चोरी करी थी सर, इतने चोरी करी है? तू सवाल अपने बंद करो, तुम इसे रिश्वत लेके छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। नहीं साहब, मैं बात है, मुंह बंद करो अपना, बंद करो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम जैसे लोगों की वजह से पूरी पुलिस फोर्स बदनाम है, यहां बैठ के दारू पी रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती? यहां महिला कॉन्स्टेबल तुम्हारे सामने बैठी है, उसके सामने बैठ के दारू पी रहे हो तुम। हाँ, और सब कान खोल के सुन लो, आज से पहले यहां जो कुछ भी चल रहा होगा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आज के बाद में अगर एक भी आदमी ने रिश्वत ली तो मेरे से बुरा कोई नहीं होने का, समझे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अंजू जी सर, आज के बाद में अगर ये दोनों दारू पीते हुए दिखाई दें तो आप मुझे रिपोर्ट करेंगे, समझे? और हाँ, ये लालो कब बुलाया चांडालो ने? सर कल। मेरी बात ध्यान सुनो, कोई गोली नहीं चलाएगा, चंडालो जिंदा पकड़ना, ठीक है ना? दरोगा जी, मेरी आवाज तो आ रही है, तेरे कहने से मैं पैसे तो लेके आ गया, पर आज मुझे लूटवाना जियो, पकड़ लियो सालों को। लाला जी आप चिंता मत करो, चंडालो का आज खेल खत्म कर दूंगा, बस आप सीधे देखते रहो, अगर उन्हें शक होगा तो वापस भाग जाओगे। ऐसे शोर मत मचाओ, सीधे खड़े हो जाओ वरना उन्हें शक हो जाओगा। कोई गोली नहीं चलाएगा, चंडालो को जिंदा पकड़ना, ठीक है? चंडाल पकड़ने बाइक दिखा। बाड़ू तू बाइक लेकर जाए से मैं देखता हूं। ओ दरोगा, बिना मतलब के बीच में मत आना, नहीं तो तेरे लिए ठीक नहीं होने का। ठीक किसके लिए नहीं होने का भी पता लग जाएगा, समझ गया? हम चोरी अपने लिए नहीं करते, हम गरीब भाइयों के लिए करते हैं। तुम किसी के लिए कुछ करने वाले होते कौन हो? और गुनाह अच्छा हो या बुरा, गुनाह गुनाह होता है, और तुम कानून की नजरों में गुनहगार हो। दरोगा तू ठीक नहीं कर रहा, तुम खुद को मेरी जगह रख के देख, अभी हमारे काम बहुत बाकी हैं। मेरी जगह अगर तू होता ना तो तू भी यही करता।
लाठी अंजन। आगी ना आपदा लाठी अंजन। तांत्रिक नाम चीन को पाखंडी बता रहा था लाठी अंजन। अगर उस दिन मेरी पूरी बात सुन लेता तो बच जाता। हो गया ना सब अलट पलट। अलग रंजन बोले आजा नीचे तेरी जरूरत आज। हो गया सब अलट पलट। कर दिया ना अलट पलट। अबे यार ये तो छपकली की पूछ लेने जाना था, कहाँ लग गया मैंने। हर हर महादेव। नू कह रहा था तू चला जा, इसे मैं देख लूंगा। ले इन्हें देख ले तुझे, अब हो गया बेहोश। चल जल्दी चल, उठ आजा। मैंने पहले ही कहा था इन चंडालों के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन नहीं माननी, अब पड़े हैं यहाँ। अरे सिर्फ बेहोश दिखे हैं। अरे तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाके इनकी नबज वबज चेक करो। बेहोश है या मार गए इन्हें? अरे बेहोश उठाओ तो उठाओ। चलो चलो गाड़ी में बैठाओ। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे को दिखा हाथ को। ओ दर्द हो रहा के? अरे बहुत तेज दर्द हो रहा। तू मालिश की ट्यूब रखी क्या? ले आते एक बार मालिश कर दे। अरे क्या हो गया तेरे साथ को? अरे कुछ नहीं यार, मोटरसाइकिल टपट गई थी, ठुक गया हाथ। अरे इसे क्या हो गया? यू और वो दरोगा रास्ते में पड़े मिले, वो तो शुक्र मना मैं वहां पहुंच गया। अगर मुझसे पहले पुलिस पहुंच जाती ना तो चार में से तीन चंडाल रह जाते। मीना मीना ले, यो तो फेर शुरू हो गया। हद है इससे। अरे एक काम कर, इसके मुंह पानी की छपके मार। दरोगा ने नशे का इंजेक्शन लगा दिया होगा इसका। ओहो आंख खुल गई सरदार की, यूं बनेगा सरदार। अर्ज आज कालू टाइम पे ना पहुंचता तो सड़ता हवालात में। न्यू बता यू मीना कौन है? मीना तो मेरी पत्नी है, तुम कौन हो? पिताजी तुम ठीक कह रहे, इसके सच में कोई नशे का इंजेक्शन तो ने लगा दिया उस दरोगा ने। दरोगा? कौन दरोगा? मैं खुद दरोगा हूँ। कालू इसे लागा नहीं मुछटा, दरोगा ने इसे नशे का इंजेक्शन ज्यादा तगड़ा लगा दिया। पिताजी कहीं इसकी याददाश्त तो ना चली गई है? अरे मेरी कोई याददाश्त पादाश्त ना जा रही। मेरा नाम जीतू और मैं दरोगा हूँ, पर तुम कौन हो? अरे कालू, अरे जल्दी ले आ नींबू, इसका तो नशा बढ़ता जा रहा है। चटाई सा हट प्रेगू, सारे बकवाद कर रहे हैं। यो चंदन ना
हमारी एक एक बात एसओ से बतावा जाके। हाँ एसओ का चमचा है वो, पर हाँ एक बात है तरुण, चंडाल है बहुत खतरनाक, हमारे नए दरोगा को भी बेहोश करके भाग गए जी। घंटा खतरनाक है, कल जीप खराब ना होती ना और वे मेरे हत्ते चले जाते तो उन्हें वहीं रगड़ रगड़ के मारता। वो तो मैं थोड़ा इस वजह से शांत हूँ, कभी एसओ साहब गुस्सा करें, कभी नींबू चटा रहे, कभी कुछ कर रहे, पता ना कौन पागल है, अगर दिमाग खराब। अरे ये तो मंगलू और तरुण दिखे हैं। ओ मंगलू, ओ तरुण। हाँ भाई बता क्या काम है। काम गाड़ी कहाँ है। गाड़ी तुझे क्या मतलब गाड़ी से, गाड़ी जहाँ होनी चाहिए वहीं है। हवलदार तरुण, इस बदतमीज के लिए मैं तो सस्पेंड कर सकता हूँ, तू अपने सीनियर से तू क्या बात कर रहा है। तो तू सीनियर है हमारा। मैं दरोगा हूँ, सीनियर ही हूँ। साले सुबह सुबह सुखा नशा करके घूम रहा, इतना लट तोड़ूंगा याद रखेगा, निकल यहाँ से। गांव वाले भी खूब तरक्की कर रहे हैं, सुबह ही नशा करके घूम रहे हैं। हाँ मंगलू। अरे सुनो तो सही। ओए ओ मंगलू, ओ तरुण। अरे इन हवलदारों ने बाद में देखूंगा, घर वाले परेशान हो रहे होंगे, पर घर चलता हूं। जेल में बेड तो कोई हाईफाई जेल लग रही है। उठ गए दरोगा साहब। चलो आंखें तो खोली आपने। पता है कल रात को जब हवलदार आपको छोड़ने आया मैं कितना डर गई थी। चलो छोड़ो, चाय पी लो। चाय के साथ पराठे भी ले आओ। हाँ, पराठे भी लिया। ये क्या हो रहा है भाई? ओहो, ये शायद लेडी जेलर होंगी। पर जेल में पराठे? और मुझे दरोगा क्यों कह रही है ये? दरोगा की शक्ल लग रही है। ओहो, इसका मतलब मेरी आत्मा दरोगा के शरीर में घुस गई है और ये जेल नहीं दरोगा घर लग रहा है। ये औरत शायद दरोगा की बीबी होगी। आ रही है। हाँ जी सुनो, बाहर वो हवलदार आया है गाड़ी लेकर। हाँ मैं आ रही हूँ। ठीक है।